कबूल है 2.0 की सक्सेस से एक्ट्रेस सुरभि ज्योति बेहद ही खुश हैं और इन दिनों वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। जी हां, सुरभि इन दिनों मुंबई के शोर शराबे से दूर सुला वाइन यार्ड घूम रही हैं, जहां की खूबसूरत फोटोज और वीडियोस सुरभि भी लगातार अपने इंस्टाग्राम पर पिछले कई दिनों से लगातार शेयर भी कर रही हैं। वेल, अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि सुला वाइन यार्ड नासिक में है। सुला इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे सम्मानित वाइन ब्रांड है और इन दिनों सुरभि यही के सुंदर सुंदर नजारे ले रही हैं। कभी सनसेट एंजॉय करती सुरभि तो कभी सुंदर सुंदर फूलों के गलियारों के बीच अपनी वीडियो बनाती नजर आ रही हैं। वो काम के हेक्टिक शेड्यूल से दूर सुरभि सुला में बिल्कुल ही चिल कर रही हैं। पर सुरभि जिस तरह से अपने इस वेकेशन को एंजॉय कर रही हैं, एनर्जी से भरी लग रही हैं, रिलैक्स कर रही हैं, कहीं इसके बाद वो किसी बड़े प्रोजेक्ट में बिजी तो नहीं होने वाली? क्या इस वेकेशन के बाद सुरभि अपने फैंस को अपने नए प्रोजेक्ट का तोहफा देने वाली हैं? क्योंकि देखा जाए तो अक्सर टीवी स्टार्स किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले वेकेशन पर जाकर खुद के मूड और एनर्जी को फ्रेश करने की कोशिश करते हैं, ताकि जब वो प्रोजेक्ट को शुरू करें तो वो पूरी तरह से एनर्जेटिक हों और उस प्रोजेक्ट पर अच्छे से फोकस भी कर पाएं। वैसे भी किसी भी स्टार के लिए शूट का हिस्सा बनना काफी हेक्टिक होता है। ऐसे में अपने आप को नए प्रोजेक्ट के लिए तैयार करने से पहले ज्यादातर स्टार्स वेकेशन पर जरूर जाते हैं। ऐसे में इस वेकेशन के बाद सुरभि के नए प्रोजेक्ट की उम्मीद भी लगाई जा सकती है, क्योंकि देखा जाए तो कबूल है के बाद सुरभि पूरी तरह से फ्री हो चुकी है। टीवी की बेहतरीन एक्ट्रेस होने की वजह से बड़े बड़े मेकर्स भी उन्हें अपने प्रोजेक्ट में जाहिर तौर पर लेने की इच्छा भी रख रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ सुरभि ज्योति के फैंस भी उनके हर प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसे में क्या पता वेकेशन से लौटते ही सुरभि अपने नए शो का ऐलान कर दें, जिसमें नई कहानी नए अवतार के साथ लौटे सुरभि ज्योति। हालांकि देखना तो ये है कि सुरभि कबूल है के बाद किस नए प्रोजेक्ट से धमाल मचाएंगी। क्या वो कोई डेली सोप होगा, डिजिटल शो होगा या फिर कोई म्यूजिक वीडियो? वेल, आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है सुरभि का अगला कदम? बताइए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में।